नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लाया हूं। जी हाँ, ये जो तीन प्रश्न है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों के जो बेसिक है उसको समझ जाते हो तो इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से चुटकियों में बना सकते हैं। जी हाँ, प्रश्न को देखोगे और उत्तर बता दोगे। इसके लिए आवश्यक है कि आज के वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। एक बात और, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और आल को टच करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरा चैनल हालांकि नया है लेकिन आप लोगों के प्यार, आप लोगों के आशीर्वाद से जल्द ही 1,00,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और आप लोग यूं ही सपोर्ट करते रहिए, यूं ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूं ही मुझे मार्गदर्शन भी करते रहें, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो बनाता रहूं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए, मैंने तीन प्रकार के प्रश्न लिखे हैं। यहां पर प्रश्न देखिए, यहां पर जो मैंने शुरुआत में जो संख्या लिखा है, इसको हम देखें तो इसका पैटर्न अगर हमको समझ आ गया तो इस गणित को बना सकते हैं। यहां पर देखिए 1/9 मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, मतलब ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पूछे जाते हैं इस प्रकार के बदल के। यहां पर देखिए, हमने मिश्र भिन्न लिखा हुआ है, तो जो मिश्र भिन्न है 1/7 लिखा हुआ है, इसमें 99 है ना, 999 2/7, इस प्रकार मिश्र भिन्न लिखा है, इनका योग हमें निकालना है। यह भी बहुत ही सरल होता है। इसमें देखिए, ये जो प्रश्न है, यदि इस प्रश्न को आप समझ जाते हो, ध्यान दीजिएगा, इसके जो बेसिक तरीका जो बताया जाएगा उनको यदि आप समझ जाते हो तो कोई भी प्रश्न आएगा उनको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इनको हम हल कैसे करते हैं, बहुत आसानी से इनको हम हल कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में आप एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऊपर में जो संख्या रहता है यदि एक है, जैसे यहां पर भी देख लीजिए एक है, तो हमें उसमें पैटर्न को ढूंढना है। तो पैटर्न कैसे ढूंढते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको यदि मैं हल करना चाहूं तो मैं इसमें क्या करूंगा, यहां पर देखिए 1/3 है तो इसको हमें दो भागों में तोड़ना है, और तोड़ते समय यह भी ध्यान रखना है कि जो छोटी संख्या होगा उसको पहले लिखना है और जो बड़ी संख्या उसको बाद में लिखेंगे। कैसे, जैसे 1/3 है तो इसको मैं 1×3 लिख सकता हूं, है ना, हालांकि एक का तो मतलब एक ही है लेकिन हमें चूंकि सीखना है इसलिए ऐसा करना है। अब यहां पर देखिए, इसको मैं दो भागों में तोड़ूंगा तो 3×5, 3×5=15, इसको मैं क्या करूंगा 5×7, 7×5=35, इसको मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिए 7×9, 9×7=63, और इसको देखिए 9×11, क्योंकि 11×99, इसी का आंसर हमें निकालना है कि इसका आंसर कितना होगा। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों को नीचे को वैसे तोड़ना ही है और वो तो देखते ही समझ आ जाता है कि किस रूप में टूटेगा। अब यहां पर दूसरा जो बात होता है महत्वपूर्ण, वो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है। जैसे यहां पर देखिए 2 का अंतर है, यहां पर भी देख लीजिएगा 2 का अंतर है, यहां पर भी देख लीजिए 2 का अंतर, यहां पर भी देख लीजिए 2 का अंतर, यहां पर भी आप देख सकते हैं 2 का अंतर है सभी में। मतलब ये जो आप 2 का अंतर निकाल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर प्रश्न जो है बनता है। अब प्रश्न कैसे बनाएंगे, इसके दो तरीके हैं और वो दोनों तरीके मैं बता रहा हूं, और इस शॉर्ट ट्रिक को, है ना, इस शॉर्ट ट्रिक को आप ध्यान से देख लीजिएगा और आसानी से आप इस सीख सकते हैं। इसके दो प्रकार होंगे, तो पहला मैं बता रहा हूं, पहला प्रकार में क्या करना है, इस प्रकार तो आपने आसानी से तोड़ लिया, अब क्या करना है, जो पहला संख्या दिख रहा है, यहां पर देखिए पहला संख्या 1/1, तो पहला संख्या को लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा ऐसा नहीं लिखेंगे, हमें क्या करना है नीचे में ये जो पहला संख्या दिख रहा है उसको लिखना है और आखिरी जो संख्या दिख रहा है, इसलिए बोला गया ना छोटी संख्या को पहले लिखना है बड़ी संख्या को बाद में, हर बार ऐसे करते जाना है, तो छोटी संख्या को पहले लिखेंगे बड़ी संख्या को बाद में लिखेंगे। यहां पर हम क्या करते हैं 11×9 ऐसा नहीं लिख सकते, छोटी संख्या को लिखना है। यहां पर एक चीज और ध्यान देना है, पहले पद में जो दूसरा संख्या आता है वो अगले पद के पहला संख्या होता है, जैसे यहां देखिए 1/3 है तो इसमें 3/5, इसमें 5 लास्ट में था तो शुरुआत में 5 है, 5/7, इसमें 7 लास्ट में है तो 7/9, इसमें 9 लास्ट में है तो 9×11, अगला पद और आता तो 11 उसमें होता। तो इस प्रकार के प्रश्न को पहला पद और अंतिम पद कितना हो गया 11, अब ऊपर में निश्चित रूप से एक है, ध्यान दीजिएगा एक ही है, तो इनको गिन कर लिख दीजिए 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये हो गया आपका 5, इसको आप हल कर दीजिए, है ना, हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5/11, और ये आपका आंसर आ गया है बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, ये आपका आंसर है। अब इसको हम दूसरा तरीके से कैसे निकालेंगे, तो ये पहला मेथड हो गया, इसी को यदि मैं दूसरा तरीका से निकालना चाहूं, दूसरा तरीका ही बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, दूसरा तरीका क्या है, इसको हमें क्या करना है, जो पहला पद दिख रहा है, पहला पद 1/1 माइनस करेंगे लास्ट पद, लास्ट पद मतलब समझ आ गया ना ये वाला 1/11, अब इसमें जो आपने अंतर निकाला था, ध्यान दीजिए दूसरा मेथड में आपने जो अंतर निकाला था
उसको बाहर में लिख कर 1/2 कर देंगे। मतलब ये अंतर है भाई, ये जो है दोनों के बीच का अंतर होगा। बटे मतलब बटे में हर बार तो नहीं लिखना है, बटे में हमेशा जो अंतर होगा उसको लिखना है। जैसे यहां पर कितने का अंतर था, 2 का अंतर था, सब में देखिए 2 का अंतर है, तो वो अंतर नीचे में आएगा। इसी को आप इस प्रकार लिखते हैं, पूरे का बटे 2 लिख देते हैं। आप पूरे का बटे लिखिए चाहे इस प्रकार लिखिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब देखिए, अगर हमने यहां पर अंतर को लिखा है, इसको जब हम हल करेंगे तो इसका हल कैसे होगा, देखिए इसका तो हम एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ये हो जाएगा 11। फिर इनका इनके साथ गुना होगा तो 11 ही होगा, इनका इनके साथ गुना होगा तो एक ही होगा। लेकिन मैंने बताया ना, या तो पूरे का बटे या फिर ये, और ये इनका क्या है, अंतर है। इसको जो आप हल करोगे तो आपके पास कितना आ गया, देखिए यहां पर आ जाएगा 10/11 और ये 1/2 ये वाला, तो 2 कटा देगा 5 को ऐसे, और ये 11, तो आपका लास्ट में आंसर कितना आया, 5/11 ही आया, जो कि आपके पहले मेथड जैसा ही है। तो उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस आप दोनों मेथड का उपयोग कर सकते हैं। इसी मेथड का उपयोग करके आगे के प्रश्न को भी हम बनाएंगे। चलिए, इसी प्रश्न को यदि मुझे कुछ इस प्रकार दे दिया जाए, देखिएगा इसी प्रश्न को हमें पलट के दे दिया जाए, बदल के दे दिया जाए, तो हम कैसे बनाएंगे, तो इसके मेथड को आप लोग याद रख लीजिएगा। चलो, इसी प्रश्न को मुझे यहां से दिया जाए, इस प्रकार दिया जाए, तब मैं क्या करूंगा, तब भी बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, यहां से 5×7 करेंगे, प्लस यहां पर क्या करेंगे, 7×9 करेंगे, प्लस यहां पर क्या करेंगे, 9×11 करेंगे। तो हमें क्या कहा गया है, प्रथम संख्या, मतलब यहां पर देखिए प्रथम संख्या गुणित आखिरी संख्या कितना है, 11। और यहां पर आपको क्या करना है, ऊपर में एक नहीं लिखना है, जितनी बनाया है 1, 2, 3 बनाया है तो आप 3 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आप इसको क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आंसर, 3/11 × 55। तो ये आपका आंसर हो गया है, मतलब मेथड को सीख गया है। तो 3/55 आए हैं, वो दूसरा मेथड से भी तो आना चाहिए। दूसरा मेथड क्या है, दोनों के बीच जो अंतर है 2, यहां पर देखिए दोनों के बीच 2 अंतर है, दोनों के बीच 2 है, तो दूसरा मेथड क्या कहता है, जो अंतर है उसको बटे में लिखेंगे। और प्रथम पद मतलब 1/5, यहां पर देखिए 1/5 है, और अंतिम पद कितना है, 1/11, इसको हल करेंगे तो इतना आना चाहिए 3/55, आता ही नहीं आता, देखते हैं। इसका तो लघुत्तम समापवर्तक 11/55 आएगा, अब इसका गुणा इनके साथ होगा 11, इनका गुणा इनके साथ होगा मतलब 5, और ये देखिए 1/2 रहेगा, ठीक है। अब इसको जो आप हल करोगे तो भाई आपको 11 में 5 को घटाना है, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, 6/55 आएगा, ये देखिएगा। और यहां पर 1/2 पहले से है, तो 2 कटेगा 3 से, तो ये देखिए आपका जो आंसर है कितना आ गया, 3/55, जो कि हमारा पहला आंसर था। मतलब यदि इस नियम को हम सीख जाए, बेसिक तरीके को सीख जाए, तो हम किसी भी प्रश्न को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार के मेथड का प्रयोग करके हम पहले प्रश्न को बना सकते हैं। अब मैं पहला प्रश्न को ही बता देता हूं, क्योंकि इसको हम बाद में बना लेंगे, पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, बहुत ही बेसिक तरीका इनका याद रखिएगा। देखिए, आपको 1/9 दिया है ना, तो आप कुछ क्षण के लिए 1/9 को भूल जाइए, क्योंकि ये जो है इस पैटर्न पे काम नहीं करेगा, इसलिए हम इसको अलग से हल करेंगे। लेकिन ये जो 1/6 दिख रहा है, इसको हम 2×3 करेंगे। मैंने बताया था ना कि पहले किस संख्या को लिखेंगे, जो छोटी संख्या है, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, 3×4, इसको हम क्या करेंगे, 4×5, और ये भी बताया गया है इसमें जो लास्ट में आता है वो पहले संख्या आता है, ठीक है। ये जो लास्ट में आया है वो अगले वाला में आएगा, 5×6, ये देखिए 5×6, ये आगे बढ़ता जाएगा, यहां पर 6×6 कितना आएगा, 7 आएगा, देखिए 7×6 = 42, अगले वाला में देखिए 56 आया है, तो यहां पर 1/7×8, 7×8 = 56, अगला वाला लास्ट पद है, यहां पर 8 तो आएगा, और ये आएगा 9×9 = 72, 8×72। बस यहां पर आपको क्या करना है, पहले इतने भाग को अलग से हल कर लेना है उस पैटर्न पर, अभी जो पैटर्न आपको बताया गया है। अब देखिए, यहां पर कितने का अंतर है, 1 का, यहां पर, यहां पर, यहां पर, शुरू से आखिरी तक कितने का अंतर है, 1 का, 1 का अंतर है, तो हमें बहुत आसानी से इनको हल कर सकते हैं। अभी जो ट्रिक बताया गया है, एक बताओ ये ट्रिक काम कैसे करता है, तो उस ट्रिक को यदि आपको सीखना है तो ध्यान दीजिएगा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं एक बेसिक चीज को बता रहा हूं, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो अभी हम भूल गए हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यदि मैं 3-2 लिख दूं और 2×3 लिख दूं, ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा देखते रहिएगा। इसको मैं क्या लिखूंगा, 4-3 लिखूंगा, और इसको लिखूंगा 3×4, इसको मैं क्या लिखूंगा, 5-4 लिखूंगा, और 4×5 लिखूंगा,
और ऐसे करते करते हमें लिखना है। मैं लास्ट को लिख रहा हूं, बाकी आपको समझ आ जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी यहां पर हो जाएगा 9-8 होगा और 8×9 होगा, लेकिन इसके पहले का पद, ठीक है, इसके पहले का पद को याद रखिएगा। अब देखिए ये मैंने 1/9 को अभी तक कुछ हल नहीं किया है। अब देखिए इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूं, अगर इसको मैं हल करूं तो 3/2×3 लिखूंगा तो 3 कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 में आप क्या करिएगा, देखिए अगर मैं 2/3 लिखूं, 2/2×3 लिखूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 और 3 कटेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा उसको ध्यान दीजिएगा, है ना, केवल इस पद को हल कर रहे हैं। तो यहां पर बचेगा 1/2 और ये माइनस है तो 2 और 2 कटेगा, तो यहां पर 1/3 बचेगा, है ना। ये मैं बेसिक चीज समझा रहा हूं। यहां पर देखिए अगर मैं 4/3×4 लिखूं तो 4 और 4 कटेगा, तो यहां पर क्या बचेगा, 1/3। यहां पर तो माइनस होगा, इसमें 3 और 3 कटेगा तो 1/4 बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार ये आगे जाता जाएगा तो यहां पर देखिए 5 और 5 कटेगा, अलग अलग तोड़ के लिखेंगे तब की बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, 1/4 माइनस यहां पर 4 है 4 कटेगा, 4 4 से अलग अलग टुकड़ों में लिखेंगे तो यहां पर कितना बचेगा, 1/5। ऐसा करते जाएंगे तो यहां पर 1/5 आएगा, फिर ऐसा ऐसा करते जाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसका मान देखो यहां पर आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। फिर यहां पर देखिए ये ऋण होगा ना, ऋण लिखे हैं, यहां पर क्या आएगा, ये तो देख रहे हैं कि ये 9 9 को कटाएगा तो 1/8 आएगा, और लास्ट में यहां पर देखिए 8 8 को कटाएगा तो आपके पास आएगा ऋण 1/9। ऐसा करने से जो अंदर के जो सारे पद हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, आपके पास लास्ट का बचा और आखिरी का। इसलिए मैंने बताया था ना कि आपको क्या करना रहता है, ये जो लास्ट की जो संख्या है उसमें आखिरी की जो संख्या है उसको घटाना पड़ता है, लेकिन यदि उसमें अंतर है, ध्यान दीजिए अंतर है, तो अंतर से आपको भाग दे रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि यहां पे अंतर कितने का है, 1 का है। और इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा, और इस मेथड से यदि इसको हम हल करें तो हमारे पास आंसर कितना रहा है, यहां पर देखिए 9×18 आ रहा है, है ना, 9×18 तो 2 का पहाड़ 9 बार पड़ेंगे तो यहां पर तो 9 आएगा और यहां पर कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसको जब आप हल करोगे तो आपका आंसर आ गया 7/18 जो बिल्कुल सही है। लेकिन इसी को यदि हम शॉर्ट ट्रिक से अपनाएं, देखिए अभी मैंने 1/9 को हल नहीं किया है, ये पूरा हल नहीं है, इसको अगर इसका पूरा हल हमें निकालना है तो ये जो 7/18 आया है उसमें आपको 1/9 को जोड़ना पड़ेगा। ये मैं करके बता देता हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक से भी इसको हल करके आपको बताऊंगा। अब देखिए यहां पर क्या करना है, इसका तो हमें 7/8 प्राप्त हुआ है, तो सॉरी 18 प्राप्त हुआ है, तो ये 7/18 इसको आप हल करेंगे पूरा, तो यहां पर क्या जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 18 और ये 9×18 होता है तो 2 का गुना उनके साथ होगा ऊपर में, तो 2 आएगा और 18 का तो 18 ही होगा, यहां पर कितना जाएगा, 7 आएगा, फिर 7 और 2 कितना होगा, जुड़ जाएगा तो ये 9 होगा और ये 18, इसको आप भाग देंगे तो आपका इसका जो कुल आंसर है वो 1/2 आया, मतलब इसका जो आंसर है वो 1/2 आएगा पूरा हल करने के बाद, 1/9 को हल करने के बाद। लेकिन इसको यदि हम शॉर्ट ट्रिक से हल करना चाहें, है ना, शॉर्टकट मेथड जो होता है उनसे हल करना चाहें, तो शॉर्टकट मेथड क्या बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, इसका पहला संख्या लेंगे, मैंने बताया था ना, इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये अलग था, यहां से गिनने प्रारंभ करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये देखिएगा 7 आ गया। नीचे में पहली संख्या को लेंगे, मतलब दूसरा 2 है, और आखिरी संख्या लेंगे 9, ये लो, ठीक है। अब इन्हीं को आपको क्या करना है, हल करना था, लेकिन ये वाला संख्या अलग से है तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको जब आप हल करोगे तो 1/9 + 9×18 मतलब 7/18, अब इसको जब आप हल करोगे तो ये तो आपका आंसर अब आसानी से आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आएगा, यहां पर कितना आएगा, 7 आएगा, यहां पर 9/18, ये आपका कट गया आंसर 1/2, ये देखिए 1/2। तो ये इस प्रकार आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। हाँ, एक और मेथड आपको बताया गया है, कौन सा मेथड, यदि आप इसको घटाने वाला मेथड से बताना चाहें, मतलब इसमें अंतर कितने का है उस विधि से बनाना चाहें, तो क्या करते हैं, पहले वाला जो संख्या है तो 1/2 में आखिरी वाला जो संख्या है किसको, 1/9 को घटाते हैं ना, अभी मैंने बताया था, और इसमें जो अंतर है, अंतर कितने का है, 1 का है, इस मेथड से भी आप बना सकते हैं तो भी इसका आंसर कितना आता, यहां पर आता 7/18, ठीक है। बाकी आगे चल के इसको आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, इसको हल करेंगे तो 9 आएगा, यहां पर 2 आएगा, तो 7/18 प्लस इसमें इनके साथ जोड़ेंगे तो आपका टोटल आंसर जो है कितना आता, 1/2। अब देखते हैं आखिरी प्रश्न, मतलब जो बीच में जो प्रश्न है उसको हमने छोड़ दिया था, इसको बनाना है। ध्यान दीजिए ये जो प्रश्न है ना बहुत ही शानदार प्रश्न है,
कई बार मैंने बताया है कि मिश्र भिन्न को, जैसे हमारे पास यहां पर कुछ भी दिया है 17 सही 1/4 ऐसा कुछ प्रश्न दिया है, इसका मतलब यहां पर 17 × 1/4 ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत है तरीका, ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको कोई गणित दे मिश्र जो भिन्न है 1/4 ऐसा दिया है, इसका मतलब हमें समझना है यहां पर प्लस चिन्ह का प्रयोग मानना है। ये प्लस चिन्ह का प्रयोग होता है, मिश्र भिन्न की एक खासियत होती है, और ये बिल्कुल हमेशा सत्य है कि यहां पर आपको प्लस ही मानना है, ठीक है। तो ये गुना बिल्कुल नहीं मानना है। तो इसके आधार पर ही आपको ये जो सारे प्रश्न दिख रहे हैं ना, इनको आपको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए यहां पर 99 सही 1/7 है ना, 999, तो इसको मैं क्या करूंगा, 999 तो लिखूंगा, पल यहां पर प्लस लिखूंगा, फिर 1/7 यहां पर क्या लिखूंगा, फिर 999 लिखूंगा, प्लस यहां पर क्या है 2/7 है, यहां पर क्या है, फिर 999 लिखूंगा, फिर यहां 3/7 है, यहां पर प्लस लिख देंगे, ठीक है, यहां पर हम प्लस लिख देंगे और ये 3/7, ठीक है, ये 3 है। फिर क्या करेंगे, 4, तो 999 प्लस 4/7, अगला क्या होगा, 999 तो लिखेंगे ही, ये वाला लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/7, और एक संख्या और ये हो जाएगा 999 प्लस 6/7, इसका मतलब तो ये हो गया, ये देखिए ये वाला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6, मतलब 999 कितने बार आया है, और ये सभी योग दिख रहा है, सभी का योग है भाई, कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं है, केवल योग है। मतलब यदि मैं 999 को 6 बार लिखूं या 6 बार जोड़ूं कहा जाए, इसका मतलब ये है, यदि इसको मैं डायरेक्ट 6 से गुना कर दूं, इतने को 6 से गुना कर दूं, ठीक है, तो ये हमारा 9 जो है 6 बार जुड़ गया, ऐसा मानेंगे, ठीक है, या तो आप जोड़ कर लिख लीजिए। प्लस देखिए, प्लस सभी में है, अब देखिए आपके पास केवल क्या बच गया है, 1/7 बचा यहां पर, ये तो हो गया है, यहां पर लिख लिया, यहां पर क्या बचा 2/7, यहां पर क्या बचा 3/7, यहां पर क्या बचा 4/7, यहां पर 5/7, ये 5 है ना, 5/7, और ये लास्ट में कितना बचा 6/7, इसको आपको अलग से हल कर लेना है। अब देखिए इनको आप गुना कर दीजिएगा, है ना, तो 9/6 का 54 होगा, 9/6 का 54 का 4 आएगा, हासिल 5, ठीक है, 9/6 54 54 में आप क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 59, फिर कितना बच गया, हासिल तो 5 ही रहेगा, फिर 9/6 54 54 में फिर उतना हासिल आएगा, तो ये हो जाएगा 59, ठीक है, ये हो गया इसका पूरा आंसर। लेकिन आपको इनको भी तो हल करना है ना। अब देखिए सभी में क्या है, 7 है, तो हासिल एलसीएम लेना बड़ा आसान होता है, अब इन सभी संख्याओं को जोड़ देना है, क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है, नीचे में अगर हर समान हो तो सभी ऊपर के जो संख्या है उनको डायरेक्ट उनको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो इनको आप जोड़ दीजिए, 6, 5, 11, 11 और 4, 15, 15 और 3, 18, 18 और 19, 20 और 21 हो गया 21, अभी 21 है और 7 है, 7 + 21 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, 7 + 21, आपके पास आंसर कितना आ गया, फिर यहां पर आ गया 599 और 4 + 3, तो ये 3 को इसमें जोड़ना बस तो है, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 599 और 4 और 3 कितना हो गया 7, तो ये आपका आंसर आ गया बहुत ही सरल तरीके से। तो इसी प्रकार आप बहुत सारे गणित को बना सकते हैं। याद रखिए किसी प्रकार के गणित को बनाने के लिए उसके बेसिक को सीखना जरूरी होता है। आइए दोस्तों मैं आपको एक प्रश्न देता हूं और उस प्रश्न के उत्तर को आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है, तो आइए एक प्रश्न लिख लेते हैं। तो आइए दोस्तों ये जो प्रश्न है आप लोगों के लिए है, जैसे 1/20, 1/30, 1/42, 1/56 ऐसा लिखा हुआ है, लास्ट में 1/132 है, इसको अभी मैंने जो आपको मेथड बताया है, जो 2 60 का ट्रिक बताए हैं, उस ट्रिक के माध्यम से इस प्रश्न को हल करके मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे मेरे चैनल को लोगो दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।